गली गली तेरी राह चली, जियो रे बाहुबली। वो दोस्तों अपनी ग्रेवी भी बन के रेडी हो चुके हैं और गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली। हमारे घर में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, फिलहाल हम यहाँ भुट्टो का मजा लेते हैं। और मशरूम पाए जाते हैं ना कि बिल्कुल ज्यादा मात्रा में, ये कभी कभी उगता है और किसी किसी को मिलता है, तो यहाँ पे ये बहुत सारे हो रखे हैं। और इसको कोई अगर बनाना चाहे ना तो ये चिकन को फेल करता है, चिकन मटन को फेल करता है। लीजिए, तो इन्हीं की सब्जी हम बनाने वाले हैं कैंपिंग में। सब्जी बन के रेडी हो चुकी है और तो सब्जी का कलर कुछ ऐसा रहा, तो अभी इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा बना है। फिर से बारिश आने वाली है, तो अब हमको ना कुछ ऐसी जगह चूज करनी पड़ेगी जहाँ ना गुफा टाइप का होगा। तो एक जगह यहाँ पे लोकेशन है, तो उस लोकेशन पे लेके चलते हैं आपको। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और फिर से कैंपिंग ब्लॉग में। तो आज होने वाली है नाइट कैंपिंग हॉन्टेड प्लेस में, तो बने रहिए वीडियो में। अभी हमको भी पता नहीं है कि कैसा होगा रात को और क्या होगा, तो ब्लॉग काफ़ी क्रेजी वाला होने वाला है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ संतोष भाई को लेने, तो चलिए फिर संतोष भाई को लेने सीधे सौखाल पहुँच चुका हूँ। और वहाँ से ना मैंने 10 मिनट में दौड़ मार दी इधर की, चढ़ाई में साइकिल ऐसी फरकाई ना कि क्या ही बोले भाई। भाई कोहरा दगड़े इतना ज्यादा लगा है ना कि आगे कुछ नहीं दिख रहा है और हमारी साइड ही कुछ ज्यादा लगता है। घंटी की आवाज भी नहीं सुनाई देगी तो मुंह से ही करना पड़ रहा है। हटो, ओ हेलो भाई, हटो। फिलहाल भाई दोस्तों हमारी जो कैंपिंग की लोकेशन है ना, तो वो हमारा ठुलडुंग है जो आपने पहले वीडियो में देखा होगा। तो संतोष भाई कैसा लग रहा है कैंपिंग प्लेस? अरे यार कौन से शब्द सोचे यार यहाँ के लिए मतलब ना जो शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ मैं वो शब्द आज यूज नहीं करना चाहता हूँ। मतलब दिस इज ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब क्या ही बता सकते हैं इन कुदरत का। यहाँ से ना नजारा देखने में देखो भाई, बादल भी ना सुबह को तो बादल भी नजर आएंगे भाई। हाँ, ना बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भाई आप मौसम का आनंद ले रहे हो भाई, प्राकृतिक का आनंद ले रहे हो कुछ ऐसी जगह पे जहाँ की मैं पहली बार आया हूँ। फिलहाल अभी मस्तू और अमन हमारे साथ है, तो ये अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे अपने गाय बच्चे लेके। और आगे का व्यू देखो एक बारी, तो ये देखो कोहरा कैसे सरक रहा है ऊपर को। तो यहाँ पे जल्दी से अपना कैंपिंग टेंट सेटअप करते हैं इधर। फिलहाल भाई दोस्तों अपना टेंट सेटअप लग चुका है और यहाँ पे पूरा मतलब बढ़िया से हमने टेंट भी लगा लिया। बस सामान अंदर करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा चूल्हा उल्हा बनाएंगे। स्टोव तो है हमारे पास बट आग जलाना भी बहुत जरूरी है, तो देखते हैं थोड़ा सा लकड़ी इकट्ठा करते हैं। चलो भाई चलो, अब तो रात भर ही नहीं कर रहा हूँ कड़कड़ा रात। फिलहाल के लिए भाई हवा कुछ ज्यादा ही भर रहा था ना, तो हमने दरवाजा बंद कर दिया। और हवा अभी इतनी तेज चल रही है ना कि हमको जाना पड़ रहा है नीचे, अब आग जलाते हैं मस्त से क्योंकि रात भी होने वाली है, करीबन 7 बज चुके हैं। तो चलते हैं नीचे, आपको गुफा के भी दर्शन करवाते हैं। और संतोष भाई भाई काफी टाइम से ना इसकी ट्रेनिंग लेने पे लगे थे कि फ्राई पैन से ना चाय कैसे रखूं, तो चाय बार बार गिर जाती थी। तो अब जाके संतोष भाई का ना ट्रेनिंग पूरी हुई है, अब हाथ बैठ गया जगह। चाय
गली गली तेरी राह चली, जियो रे बहु बोली। ओ भाई साहब यस, कहाँ गया? वो नीचे गया। तो भाई दोस्तों, हम रहने वाले हैं यहाँ पे और रात का हमारा जो स्टे रहेगा ना, वो हो सकता है बारिश के कारण यही करना पड़े। तो यहाँ देखो एक बारी कैसा प्लेस है, ये हमारा बैठक है और यहाँ पे हमारा किचन है जहाँ पे कप रखे हैं, और यहाँ देखो यहाँ बाकी अपना सामान यहाँ पे सीढ़ियों पे रखा है भाई। तो ये स्वर्ग के लिए सीढ़ियां जा रही है यहाँ से, कुछ ऐसा समझ सकते हो आप। और बाकी ऊपर को ना, ऊपर का नजारा देखो एक बारी, तो ऊपर कुछ ऐसा है भाई, इसके कारण ना, इस चूंच के कारण ना, तो यहाँ पानी नहीं आता। देखो पानी इसी एरिया में रहता है इधर, बाकी जो यहाँ का है ना, यहाँ पूरा मतलब ठीक रहता है। तो यहाँ पे आग जलाएंगे फटाफट से, लकड़ियाँ और लाते हैं और रात को फिर हमने छिल्ले के लिए आए थे, क्योंकि जो आग जलाने में ना हमको बहुत सहायता करेगी, तो इसके लिए आए थे। और हमको यहाँ पे मिल चुका है पहाड़ी मशरूम बोलते हैं जिसको। तो ये मशरूम देखिए, इस मशरूम की ये खासियत होती है ना कि इसके सर पे चोंच होती है, और ये मशरूम मतलब रेयर केस में पाया जाता है, वैसे ज़्यादा आमतौर पर नहीं पाया जाता। जैसे और मशरूम पाए जाते हैं ना कि बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में, ये कभी कभी उगता है और किसी किसी को मिलता है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे हो रखे हैं, और इसको कोई अगर बनाना चाहे ना तो ये चिकन को फेल करता है, चिकन मटन को फेल करता है। तो कुछ इस तरीके के हैं, ये देख लीजिए। तो इन्हीं की सब्जी हम बनाने वाले हैं कैंपिंग में, तो चलिए चलते हैं अपने कैंपिंग सेटअप पे। तो कहते हैं कि चूल्हे पे ना, आग पे कुछ भी चीज नहीं आता, ना जानवर आते हैं, ना ही कोई शक्ति आती है, काली शक्ति हो चाहे कैसी भी हो, तो वो चीजें नहीं आती है। तो दोनों तरफ हमने चूल्हे जला दिए हैं, ये देखो इस साइड भी हमारा चूल्हा है और इस साइड भी चूल्हा। आज कैंपिंग में बनने वाला है यही सगियान चू भाई, तो इसी सगियान चू का सब्जी बनाएंगे, और जंगल के सब्जी का आपको बताते हैं कैसा टेस्ट होता है और कैसे ये बनता है। फिलहाल के लिए दोस्तों हमने मशरूम धो धा के और बढ़िया से गर्म पानी में डुबा दिया है। तो गर्म पानी में इस पे ना जितने भी विषैले पदार्थ होंगे ना, तो गर्म पानी में रखने से वो थोड़ा सा खत्म हो जाएंगे। अभी भाई दोस्तों संतोष भाई लाए थे ना भुट्टे घर के लिए हमारे, तो हमारे घर में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, फिलहाल हम यहाँ भुट्टों का मजा लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखो कोयलों के देख के ना हमको भुट्टे की याद आ गई। तो जल्दी से भुट्टे पकाते हैं और साथ साथ में भुट्टों का स्वाद भी लेते हैं भाई। अलग ही स्वाद है भाई। और ये नमक देखो, नमक और नींबू देखो, सबसे मेन चीज तो ये है, सबसे मेन चीज ये है। और फिर ये भी थोड़ा सा मीठा हो रहा है ना, भुट्टे थोड़े मीठे हो रहे हैं, तो और टेस्ट ला रहे हैं। शंकरनाथ रे बोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली। शंकरनाथ रे ओ शंकरनाथ रे, बोले बाबा जी झोली खाली लाया जी, तेरे दर पे आया जी मैं तो खाली आया। फिलहाल वही दगड़िया जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं और उसके बाद करते हैं आपका मनोरंजन बिल्कुल मस्त सा। तो फिलहाल ऑयल रखते हैं। ओह माय गॉड मिलोट, इसमें तो वो भी था पानी दिखाई नहीं, अब ये तड़ 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 पीड़ेगा जब ये गर्म होगा, तो इसलिए साइड हो जाती है जल्दी, है ना। वॉन फायर भी बिल्कुल मस्त से चल रहा है। तो ये ना बांझ की लकड़ियां है, तो इनके कोयले ना आपको सुबह दिखाएंगे, इनके कोयले इतने खतरनाक होने वाले है ना। फिलहाल अभी साथ में अपने संतोष भाई गिटार पे लगे हैं, मस्त से टाइम पास हो रहा है। फिलहाल दोस्तों अपनी ग्रेवी भी बन के रेडी हो चुके है, और इसमें देखो अगर इस ग्रेवी में ना कुछ भी सब्जी डालो, चाहे लौकी
चिचिंडा कुछ भी डालो ना तो वो चिकन का भाई फ्लेवर देने वाला है, क्योंकि ग्रेवी कुछ इस कदर बनी है हमारी तगड़ी वाली। तो जल्दी से इसमें मशरूम डालते हैं और करते हैं इसको रेडी खाने के लिए। रंग वेख के पानी दा, रंग वेख के मेरी अखियां चो अंजू रुड़ते, अखियां चो अंजू रुड़ते। माहिया ना आया मेरा, माहिया ना रांझणा ना आया मेरा, रांझणा ना आया। अखां दा नूर वेख के, अखां नूर वेख के अखियां च अंजू रुड़ दे। चलो भाई दगड़ियों, फिलहाल अपने सब्जी बनके रेडी हो चुकी है और तो सब्जी का कलर कुछ ऐसा रहा। तो अभी इसको टेस्ट करती हूँ और देखते हैं कि कैसा बना है, नमक मिर्च कैसा है। तो इसीलिए बोल रहा था मैं कि भाई ये सब्जी ना, ये जो हमारी वेज चिकन है ना, हमारा मटन, तो ये मटन को फेल करने वाला सब्जी है। जल्दी से अभी खाना करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको एक और प्यारे से मनोरंजन के साथ। तू सरासरी मटू मटू जोला, नयू नयू
यो चट्टी मिट्टी छोरा गोरा के चुपी डरी डरी की मन मसासु भरी की के चुपी डरी डरी की मन मसासु भरी की के मिलन आयो छो गाड बदनो तरी की जिया की गौंज तू सब सुखा चौमासा तू सब नडूमा मौज तू सब तू सब सुखा चौमासा तू सब डंडूमा मौज स्कूल गैरियों की कनडोरे पोड़ी गे कक त्यारू चौमास डांडियों मसोरी गे स्कूल गैरियों मा कनडोरे पोड़ी गे कक त्यारू चौमास डांडियों मसोरी गे तों सब वे सुखा चौमासा तों सब वे डांडियों मा मौजे बसी तू दिली रोन वाली धरा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली पहाड़ों को रह बसी तू दिली रोन वाली धरा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली तक फिरी बिजली पानी यकलम पूजा कौंदा तक फिरी बिजली पानी यकलम पूजा लौंदा तक कुकुर बिराला तक घोड़ी बैसी चरौंदा तू मनी मेरे चुप नरंगी डाली तो पानी वालू तू बिसलेरी वाली पहाड़ों को रह बसी तू दिली रोन वाली तरफ पानी वालू तू बिसलेरी वाली। थैंक यू गाइस। इतना ही आता है हमको, बाकी तो नहीं आता है और गिटार बजाना भी नहीं आता। ये तो मैंने सोपीस पकड़ा है वैसे ही हाथ पे। तो अब संतो भाई बजाएंगे गिटार और गाना भी गाएंगे, हम पीछे से सुरताल मिलाएंगे, बिल्कुल है ना। चलो गाइस। फिलहाल भाई दगड़ियों मस्त से हमारा वॉन फायर भी इतना बढ़िया जल रहा है ना कि क्या ही बोले भाई, क्या सुकून मिल रहा है इसके सामने बैठ के। ठंड का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा है। वैसे पहाड़ों में आजकल ठंड नहीं हो रखी है, पर फिर भी हमको इस जंगल में ठंड लग रही है, तो वॉन फायर अपना साथ दे रहा है पूरा। और बाकी इधर है अब प्रेजेंटिंग का न्यू सॉन्ग अरिजीत सिंह के हैं। ये देखो। और बाकी इस साइड को भाई दगड़ियों हमारा ना टेंट भी बिल्कुल मस्त से लग चुका है, तो वो भी हमारा इंतजार कर रहा है सोने के लिए। तो उससे पहले थोड़ा सा एक गाने हो जाए। वाह भाई, संतोष भाई ने तो दिन बना दिया भाई, कसम से ना, क्या गाना है यार। सपोर्ट करते हैं ना भाई, भाई तो साहब मिलते रहेंगे आपको भाई, बिल्कुल तगड़ा भाई साहब। तूने क्या किया सजरा सवेरा मेरा तन भर से नजरा अंधेरा तेरी जलती ना
कतरज आज तेरे दर पर से। यस मजा है यार मजा। फिलहाल दगड़ियों अभी सोने की तैयारी, तो मस्त से सो जाते हैं अभी यार। आपको मिलते हैं सीधे सुबह, तो ये हमारा बॉनफायर भी ऐसे ही जलता रहेगा मस्त से। और अभी हमने आधी लकड़ियां वहां पे रखी है, तो वो अपने आप रहेंगे, बाकी यही जलने देंगे क्योंकि ये सुबह तक रहेंगे, बांझ के है ना, तो ये सुबह तक रह जाएंगे। फिलहाल अभी संतोष भाई से पूछते हैं। संतोष भाई कैसा लग रहा है कैंपिंग में? मजा आ रहा है। और ये वाला प्लेस कैसा लगा आपको? ये वाला प्लेस थोड़ा सा डरावना तो है। डरावना तो है ना, जिस टाइम मैंने नहीं कहा। हाँ, जिस टाइम आवाज आई थी भाई नीचे से। हाँ, उस टाइम थोड़ा भी मतलब मुझे लगता है रात को कुछ हो सकता है एक्टिविटी। अच्छा, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ, जिस हिसाब से इतना खतरनाक भयंकर पहाड़ है ना, तो आपको कल सुबह दिखाएंगे हम की कितना बड़ा पत्थर है भाई जहाँ पे हम अभी सो रखे हैं। वैसे यहाँ कुछ डर नहीं है, बस है तो बाघ वाघ का खतरा है। मुझे लगता है बाघ ही घुरा रहा था। बाघ घुर रहा था उस टाइम में। तो बाकी अभी सोते हैं है ना। और बाकी गिटार महाराज को तो मेरे को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है यार, कसम से इतना बजाने का मन कर रहा है ना। सोचा मेरे गिटार बाबू है। बस इतना ही, तो हो चुकी है एक और प्यार ऐसे सुबह की शुरुआत। और अभी देखो बाहर को देखो कितना प्यारा सा भाई मौसम हो रखा है, बस कोहरे ने थोड़ा सा राग बिगाड़ रखा है, बाकी बिल्कुल मस्त है। और अभी हम थोड़ा सा भुट्टा पकाएंगे, और सुबह की चाय तो हमारी ब्लैक टी चल रही है बिल्कुल लेमन टी वाली, तो मस्त से चाय पीते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। फिलहाल भाई दगड़ियों निकलते हैं वो यहाँ से सीधा घर की तरफ, और मिलते हैं आपको एक और नेक्स्ट कैंपिंग ब्लॉग में। तो कमेंट करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो कमेंट करना अगली कौन सी लोकेशन पे और कैसी लोकेशन पे हम कैंपिंग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दगड़ियों राम राम, टेक केयर।